हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। इससे पहले के टॉपिक्स और एक्सरसाइज के वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है पूरी इस चैप्टर की, देख लीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको उसने एक्सप्लेन कर रखा है कि आर स्टार जो है वो सेट है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है, जीरो को छोड़ के जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका सेट है ये आर स्टार, ठीक। ऐसा उसने क्यों दिया है वो देखते हैं। फंक्शन की कंडीशन जो है वो ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन बाय एक्स। अब आप समझ गए होंगे कि नॉन जीरो रियल नंबर्स क्यों लिए हैं उसने, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे आप, वन बाय जीरो हो जाएगा और वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है, उसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो वो नॉट डिफाइंड आ गया। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। क्योंकि मतलब किसका वीडियो, कि जीरो डिनोमिनेटर में क्यों नहीं होना चाहिए, या यूं कहूं कि जीरो से डिवाइड क्यों नहीं कर सकता मैं, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स आपका फंक्शन है, और फंक्शन का किन किन सेट्स पे डिफाइंड है वो आपको बताया जा चुका है। अब वो क्या पूछ रहा है कि डिफाइंड बाय एफ एक्स इज वन वन एंड ऑन टू, तो ये फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होगा या नहीं वो पूछा है, ठीक है। सो बिना इधर उधर दिमाग घुमाए, बिना आगे पीछा कुछ और सोचे, हम सीधा पहुंचते हैं कि वन वन की कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं और ऑन टू की कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं। सो सबसे पहले हम वन वन फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेशंस करते हैं। देखिए वन वन के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि फंक्शन जो है वो मेनी वन है, ठीक है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम यूज करते हैं इसमें। उसमें मान लेते हैं हम क्या कि लेट एफ ऑफ एक्स इज मेनी वन। अब मेनी वन है तो उसकी कंडीशंस ये फॉलो करना चाहिए, तो कोई दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए मैंने एक्स वन और एक्स टू, और उनकी इमेज जो है एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू है, ठीक है। फंक्शन मेनी वन है, इसका मतलब दो से ज्यादा एलिमेंट्स ऐसे हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम है, ठीक है। तो वो कंडीशन मैंने लिख दी यहां, एफ एक्स वन एक्स वन की इमेज होगी और एफ एक्स टू की इमेज होगी। अब अकॉर्डिंग टू आवर फंक्शन इमेज हमें मिलेगी यू, तो वन अपॉन एक्स टू, और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, ठीक है। सो यहां से रिजल्ट हमारे पास क्या आया कि अगर इमेज सेम है, इफ इमेज इज सेम योर एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, इसका मतलब जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट मेनी वन, मेनी वन नहीं है वो। सो मेनी वन नहीं है तो क्या है, इट इज वन वन, ठीक है। So, हर क्वेश्चन को जिसमें वन वन पूछा गया हो आप इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। इस प्रूफ को कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, और ये प्रूफ की टेक्निक यूज करके ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे नंबर्स लेके मत बैठ जाना, कंफ्यूज हो जाओगे, प्रूफ भी नहीं होगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, सेकेंड वो पूछ रहा है कि ये ऑन टू है क्या, ठीक है। सो सेकेंड कंडीशन देते हैं हम ऑन टू के लिए। ऑन टू हम को डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे, ठीक है। वन वन हम चेक करेंगे किसमें, डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑन टू को डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए वन वन मेनी वन ये हम डिसाइड करते हैं डोमेन को देख के, ठीक है, और ऑन टू है या इन टू ये डिसाइड करते हैं हम को डोमेन को देख के, ठीक है। सो ऑन टू प्रूव भी हम कहां से करेंगे, को डोमेन को देख के। सो देखिए सपोज आपके पास कोई इमेज है वाई, ये इमेज कहां से आई होगी, फंक्शन की कोई वैल्यू एक्स रही होगी डोमेन में वन बाय एक्स, और उससे आपको ये इमेज वाई मिली को डोमेन में, क्लियर है। देखिए मैं बताता हूं, एक्स कोई है एलिमेंट डोमेन का, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स जो है वो आपको मिलता है वन बाय एक्स, और ये वन बाय एक्स इक्वल टू वाई कोई वैल्यू है जो कि को डोमेन में, ठीक है, ऐसे डिफाइन होता है ना।
चलिए, सो 1 बाय एक्स इक्वल्स टू वाई, सो इस रिलेशन से x की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूं क्या? आ जाएगी कैसे, x इक्वल्स टू 1 बाय वाई आ जाएगी, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लीजिए आप, x इक्वल्स टू 1 बाय वाई। अब ये 1 बाय वाई, y कुछ भी है, y इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है, छोड़ के जीरो, क्योंकि उसने डोमेन और कोडोमेन दोनों बताए हैं, रियल नंबर का सेट विद स्टार, इसका मतलब ऑल नॉन जीरो वैल्यूज, ठीक है, ऑल नॉन जीरो, नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। सो जीरो है नहीं तो वाई की वैल्यू जीरो होगी नहीं, तो इस रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये एक्स जो है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, क्यों फाइंड आउट कर सकता हूं, डोमेन मिल जाएगा मुझे, क्योंकि डोमेन भी क्या है, एक रियल नंबर का सेट है जिसमें सिर्फ जीरो नहीं है और सारे एलिमेंट्स है, और रियल नंबर्स में आपके सारे नंबर्स ही आ जाएंगे, ठीक है। सो सपोज फॉर एग्जांपल आपने y की वैल्यू रखी, y की वैल्यू आपने 10 रख दी, ठीक है, सो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1/10 यानी 0.1, तो 0.1 आपको मिल जाएगा रियल नंबर में, सिंपल, ठीक है। यानी कि हर y के लिए, कोई भी y को डोमेन में से उठाओ आप, उसके लिए मेरे पास एक x अवेलेबल होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। सो ये जो फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। अब ये पता हमने किया है कि फंक्शन डिफाइंड किन सेट्स पे है। अगर फंक्शन आपका सपोज यू होता, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स आपका डिफाइंड होता, 1/x फंक्शन है आपका, और एफ डिफाइंड होता नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर जिसमें जीरो नहीं है, तो वहां ये जो प्रूफ आपने दिया एक पर्टिकुलर, यही एस्टेब्लिश नहीं होता, क्यों, क्योंकि 0.1 जो है वो नेचुरल नंबर में मिलता नहीं, तो उस केस में फंक्शन आपका इनटू होता, ऑनटू नहीं होता, ठीक है। बट क्योंकि यहां फंक्शन जो डिफाइंड है वो रियल नंबर के सेट से और रियल नंबर के सेट पे डिफाइंड है, तो ये ऑनटू हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, और हर बार फंक्शन किन सेट्स पे डिफाइंड है ये आपको देखना पड़ेगा। कुछ और भी पूछ रहा है वो देखिए, सेकंड पार्ट भी पूछ रहा है, इज द रिजल्ट ट्रू, सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। ये देखो ये आ गया सेकंड पार्ट में, ठीक है, अगर आर स्टार की जगह नेचुरल नंबर का सेट हो डोमेन में विद को डोमेन बींग सेम एज आर स्टार, तो ये फंक्शन का रिजल्ट जो है 1/1 जो है वो रहेगा या नहीं, तो देखिए इसको भी चेक करते हैं हम, ठीक है। सो ये थर्ड केस, फंक्शन अब आपका क्या है, नेचुरल नंबर से आर स्टार पे डिफाइंड है, ठीक है, नेचुरल नंबर से आर स्टार पे डिफाइंड है, तो सबसे पहले चेक करेंगे हम कि ये 1/1 होगा या नहीं। सो 1/1 हम डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं, तो डोमेन में कोई दो वैल्यूज ली आपने और उनकी इमेज सेम है, ठीक है, इमेज सेम है, यानी 1/x1 = 1/x2 होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x1 = x2 आ जाएगा। सो इमेज सेम है तो आपके एलिमेंट्स भी क्या सेम है, यानी फंक्शन आपका मेनी वन नहीं है, ये तो 1/1 है, ठीक है, जो वहां फर्स्ट पार्ट में गया था वैसे ही चेक कर देंगे हम। फोर्थ केस, इसको ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू चेक करेंगे तो देखिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज y की वैल्यू को डोमेन में आपके पास है 10, सो इसके लिए ये जो y है, ये जो वैल्यू 10 है, ये डोमेन में किससे रिलेटेड है, ऑन टू तभी होगा जब को डोमेन का हर एलिमेंट जो है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी डोमेन में, ठीक है। सो ये को डोमेन का एलिमेंट है 10, सो इसकी प्री इमेज क्या होगी, 1/x करने पे 10 आया है, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 यानी कि 0.1। अब देखिए x की वैल्यू 0.1 ये इस सेट में नेचुरल नंबर के सेट में मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट जो है वो डिफाइंड होता है 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, ठीक है, उसमें ये पॉइंट्स वाले नंबर रैशनल नंबर्स जो हैं ये आएंगे ही नहीं, 1/10 उसमें नंबर आपको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं इसका मतलब कि कोडोमेन में ऐसी वैल्यूज हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन आपका क्या हो गया, इनटू हो गया, गॉट इट, ओके।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं और उसमें चेक क्या करना है, चेक द इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब 1:1 है या नहीं, 1:1 को इंजेक्टिव बोलते हैं ना। सो फंक्शन 1:1 है या नहीं वो चेक करना है। एंड सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी मतलब जो फंक्शन ऑन टू होता है उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू है या नहीं वो चेक करना है फॉलोइंग फंक्शंस के लिए, ठीक है। सो देखिए, फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन करते हैं अपन। फंक्शन डिफाइंड है, सबसे पहले ध्यान इस पे देना है कि फंक्शन किन सेट्स पे डिफाइंड है। सो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइंड है और f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर मिल रहा है। तो ये फंक्शन 1:1 होगा क्या? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर करूंगा 1 मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा 9 मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर करूंगा 16 मिल जाएगा। तो हर डोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक वैल्यू मुझे मिल रही है, यानी डोमेन का हर एलिमेंट, हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक डिस्टिंक्ट इमेज से एसोसिएटेड है थ्रू दिस फंक्शन n। सो ये 1:1 होगा, ठीक है। सो वैसे आप अगर आप शो करना चाहें तो दोनों तरीके से शो कर सकता हूं मैं, जनरल भी और पर्टिकुलर भी। पर्टिकुलर में आप एलिमेंट्स लीजिए 1, 2, 3, 4 और भी मिलते जाएंगे, ठीक है। और यहां भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और भी इनफाइनाइट सेट्स हैं दोनों, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। फंक्शन f से दोनों रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं। सो 1 का स्क्वायर आपको 1 मिल जाएगा, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर आपको 1 मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर आपको 4 मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर आपको 9 मिल जाएगा, ठीक है। सो हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट डोमेन से और किसी ना किसी डिस्टिंक्ट इमेज से एसोसिएटेड है। इन जनरल अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो मान लीजिए लेट f ऑफ x इज मेनी वन, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे हम। मेनी वन, मेनी वन है इसका मतलब x1 x2 कोई दो ऐसे नंबर्स हैं जिनकी इमेज सेम है। सो fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। और इमेज सेम है इसका मतलब क्या हुआ, इमेज कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, फंक्शन क्या है अपना f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। सो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, दोनों साइड रूट लेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, ठीक है। सो अगर इमेज सेम है, यहां से हमें इस कैलकुलेशन से क्या पता चलता है कि अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट्स भी आपके क्या है, सेम है। इसका मतलब फंक्शन जो है f ऑफ x इज नॉट मेनी वन, नॉट मेनी वन, मेनी वन नहीं है, ठीक है। मेनी वन नहीं है तो क्या है वो, 1:1, ठीक है, ओके। सेकंड आपको चेक करनी है उसकी सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी मतलब फंक्शन आपका ऑन टू है या नहीं है। तो अब देखिए ऑन टू है या नहीं वो फाइंड आउट करते हैं हम। ऑन टू चेक करने के लिए हम डोमेन से कोई वैल्यू उठाते हैं, मान लीजिए y कोई वैल्यू उठाई आपने, ठीक है। और ये i कहां से, x स्क्वायर करने पे आपको y मिला, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, √y। तो अगर वो फंक्शन ऑन टू है, जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू है, तो हर y के लिए, कोडोमेन के हर y के लिए, कोडोमेन से जो भी वैल्यू मैं उठाऊं उसके लिए मुझे एक x डोमेन में मिलना चाहिए, ठीक है। और y की वैल्यूज कहां से आएंगी, नेचुरल नंबर के सेट से, क्योंकि फंक्शन आपका डिफाइंड है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो मान लीजिए y की वैल्यू 2 रखी आपने, तो क्या करूं, √2 करने पे मुझे कोई x मिलना चाहिए। सो क्या आपके पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि √2 के बराबर हो? नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब जो फंक्शन है वो इनटू है, ऑन टू नहीं है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखिए, फंक्शन एफ डिफाइंड है, फंक्शन एफ डिफाइंड है इंटीजर सेट से इंटीजर सेट पे, और फंक्शन गिवन है आपको, कंडीशन जो है फंक्शन की वो है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब चेक करते हैं कि ये फंक्शन 1:1 ऑन टू होगा या नहीं। चेक करेंगे कैसे, चेक करेंगे हम बाय प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। सो लेट फंक्शन जो है f ऑफ x इज मेनी वन, फंक्शन मेनी वन है,
और ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेनी वन है फंक्शन, मेनी वन है मतलब कोई x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं डोमेन में जिनकी इमेज जो है वो सेम है, तभी मेनी वन होगा। और इमेज मिलेगी कैसे आपको, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, और अब अगर दोनों साइड में रूट लेता हूं तो मेरे पास प्लस माइनस x1 प्लस माइनस x2। अब आप कहोगे कि सर पिछले में तो आपने ऐसा नहीं किया था। देखिए पिछला जो फंक्शन था वो डिफाइंड था नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे, सो उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलती हैं आपको, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज, क्योंकि वो वन से शुरू होता है। अब जो फंक्शन डिफाइंड है वो आपका इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड है, और इंटीजर्स में क्या मिलते हैं आपको, नेगेटिव वैल्यूज भी मिलती है, जीरो भी मिलता है और पॉजिटिव वैल्यूज भी मिलती है, ठीक है। सो यहां प्लस माइनस रखना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। सो मेरी मर्जी नहीं चल रही भी, मजबूरी है, जैसा अगला बता रहा है वैसे करना पड़ेगा। सो अब यहां थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट कैसे आ जाता है, देखिए माइनस वन का स्क्वायर करूंगा तो भी मुझे वन मिलेगा, और वन का स्क्वायर करूंगा तो भी मुझे वन मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे कि यह फंक्शन वन वन नहीं है, मेनी वन है, ठीक है। ये फंक्शन वन वन नहीं है, क्या है, मेनी वन है। Got it? समझ गए ये बात, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी समझ गए। आप नहीं समझे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये जो है ना कि फंक्शन डिफाइंड किन सेट्स पे है, ये बहुत ध्यान से देखने की चीज है और समझने की चीज है, फिर आपकी जो प्रॉब्लम हो 90% सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये चीज समझ आ गई कि फंक्शन किन पे डिफाइंड है, उस हिसाब से मेरे को देखना है फंक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में फंक्शन आपका नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइंड था, तो वहां प्रूफ ऑफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन यूज करके हमने उसको वन वन प्रूफ कर दिया था। बट यहां क्या है कि वो इंटीजर्स के सेट पे डिफाइंड है, तो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो यहां आपको रिजल्ट जो है वो डिफरेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अब आपको प्लस माइनस कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहां इस केस में देखिए ये इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक x1 है तो दूसरा माइनस x1 हो सकता है और ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। मान लीजिए x1 की वैल्यू x1 है और x2 जो है वो माइनस x1 है, तो भी तो दोनों की इमेज सेम होगी ना, ठीक है। x1 आपने कंसिडर किया 1 और x2 जो है वो कंसिडर किया माइनस 1, दोनों इंटीजर के सेट में है, दोनों डोमेन में है, बट इनका स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर भी 1 और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, इमेज दोनों की सेम है। तो ये जो हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन में यूज कर रहे थे ना कि x1 x2 भी बराबर आ रहे हैं, ये हर केस में ऐसा नहीं आएगा, जैसा कि इस इंटीजर के केस में नहीं है। फंक्शन क्या है और किस पे डिफाइंड है, उन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इनको आंसर करना है आपको, ठीक है। सो फंक्शन ये क्या हो गया आपका, मेनी वन, वन वन नहीं है, ठीक है। ऑन टू चेक करते हैं, देखिए ऑन टू मिलेगा या नहीं, आपको क्या लगता है, ऑन टू मिलना चाहिए। ऑन टू चेक करने के लिए फिर वही कंडीशन, आपके पास कोई y है और वो मिला है आपको x स्क्वायर करने पे, और y x की वैल्यू क्या आएगी, रूट वाई, जो पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था, सेम वही पिछले क्वेश्चन में, मतलब सेकंड के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। और y की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो रूट 2 इक्वल्स टू x, सो x की कोई वैल्यू नहीं है ऐसी हमारे पास जो कि रूट 2 के बराबर हो। क्यों, क्योंकि इंटीजर के सेट में भी रैशनल इरेशनल नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। वहां भी वन है तो माइनस वन मिल जाएगा आपको, टू है तो माइनस टू मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, बट इरेशनल, रूट टू इज इरेशनल नंबर, सो ये इरेशनल वैल्यूज उसमें नहीं मिलेंगी, ठीक है। सो फंक्शन आपका ये जो है, ये फंक्शन आपका मेनी वन है और इन टू है, ठीक है। सो नाइदर इंजेक्टिव नोर सर्जेक्टिव। थर्ड पार्ट देखिए, अब थर्ड पार्ट में देखिए फंक्शन है वही एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट अब डिफाइंड है वो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे, ठीक है। तो इसको चेक कीजिए, इसको चेक करेंगे तो
यहाँ फिर वही आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं आप, रियल नंबर के डोमेन में मुझे माइनस वन मिलेगा, उसका स्क्वायर वन है, और मुझे वन भी मिलेगा, उसका स्क्वायर भी क्या है, वन है। ठीक है, सो दो ऐसे एलिमेंट हो गए जिनकी सेम इमेज है, या माइनस टू का स्क्वायर करूंगा तो भी फोर मिलना है, और टू का स्क्वायर करूंगा तो भी फोर मिलेगा। ठीक है, यानी कि माइनस टू और टू दोनों की सेम इमेज है फोर, तो फंक्शन आपका क्या हो गया, मैनी वन, पहली बात। दूसरी बात, जो कोडोमेन है वो रियल नंबर का सेट है, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज मिलेंगी, बट फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन में जो डोमेन से एलिमेंट्स हैं वो किन से रिलेटेड होंगे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर से रिलेटेड होंगे, क्योंकि माइनस टू का स्क्वायर करूंगा तो भी वो फोर से रिलेटेड है, और टू का स्क्वायर भी फोर से रिलेटेड है। तो जो कोर डोमेन में नेगेटिव वैल्यूज हैं, यानी माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस फोर है, माइनस टू पॉइंट फाइव है, ये वैल्यूज किसी से भी एसोसिएटेड नहीं है डोमेन में, यानी कि कोर डोमेन का माइनस वन, कोर डोमेन का माइनस टू या माइनस फोर या माइनस टू पॉइंट फाइव, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन आपका इन टू है। ठीक है, सो नाइदर इंजेक्टिव नोर सर्जेक्टिव, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एंड डिफाइंड है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। सो ये फोर्थ पार्ट हो गया, फंक्शन डिफाइंड है आपका नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और फंक्शन है क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, इन जनरल प्रूव करते हैं आप, वही सेम तरीका हमारा, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब वो काम करेगा इसमें, क्यों काम करेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, तो यहां वो कंडीशन नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके की वैल्यूज आपको मिले, यहां आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नहीं हम कोई कंडीशन नहीं लिख रहे हैं, इज मैनी वन, एक हाइपोथेसिस दे रहे हैं कि ये फंक्शन जो है ये मैनी वन है, मैनी वन है, इसका मतलब x1 और x2 कोई दो अलग अलग एलिमेंट हैं डोमेन में, बिलोंग्स टू डोमेन नेचुरल नंबर, और उनकी इमेज जो है वो सेम है। ठीक है, और इमेज मिलेगी कैसे हमें, क्यूब करने पे, सो x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, x2 का क्यूब है, सॉरी स्क्वायर लिख दिया मैंने, x2 का भी क्यूब। ठीक है, क्यूब करने पे आपको ये इमेज मिल रही है, और दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे तो x1 इक्वल्स टू x2। अब यहां दोनों पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगी हमें x1 और x2, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है हमारा, तो यहां नेगेटिव वाला इश्यू है ही नहीं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इनमें, x1 इक्वल्स टू x2 का मतलब है ये दोनों सेम है, और इमेज सेम है उस कारण आपके एलिमेंट्स भी सेम हैं, इमेज सेम हमने कंसिडर की थी, बट आपके एलिमेंट्स भी सेम आए हैं, इसका मतलब फंक्शन f ऑफ x इज नॉट मैनी वन, ये मैनी वन नहीं है, मैनी वन नहीं है तो ये क्या है, वन वन। ठीक है, वन वन है फंक्शन आपका। अब वो पूछ रहा है कि ओन टू होगा या नहीं, तो देखिए ओन टू नहीं होगा ये, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप को डोमेन में सेवन कंसिडर कीजिए। ठीक है, सेवन एक ऐसा एलिमेंट है जो को डोमेन में है, जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, बट एक्स क्यूब करके मेरे पास सेवन आया है। ठीक है, सो एक्स इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करूंगा, सेवन का क्यूब रूट। ठीक है, और क्यूब रूट करने पे सेवन का मेरे पास नेचुरल नंबर में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो सेवन का क्यूब रूट हो। ठीक है, गॉट इट, ये आर्गुमेंट क्लियर है आपको। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन आपका क्या है, इन टू है, क्योंकि सेवन जो है वो किसी से एसोसिएटेड नहीं होगा डोमेन में, या यू कहें आप कि को डोमेन का एलिमेंट जो सेवन है उसकी कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है, सो फंक्शन आपका इन टू हो गया। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में है आपके पास कि फंक्शन डिफाइंड है इंटीजर टू इंटीजर, और फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। सो अब इसको आपको प्रूव करना है वन वन है या नहीं। ठीक है, सो देखिए, लेट एफ ऑफ एक्स इज मैनी वन,
मैनी वन, ठीक है, मैनी वन फंक्शन है आपके पास। तो क्या करें भाई, तो आप यू कर सकते हैं कि x1 और x2 दो ऐसे कोई एलिमेंट हैं डोमेन में जिनकी इमेज जो है वो सेम है, तभी मिनी वन होगा, ठीक है जी। और इमेज x1 की मिली कैसे, x1 क्यूब करने पे और x2 क्यूब करने पे, ठीक है। अब दोनों साइड क्यूब रूट लूंगा तो ये x1 आ जाएगा और ये x2 आ जाएगा। अब ये इंटीजर है तो प्लस माइनस रखूं, ठीक है, प्लस माइनस रखूं, बट क्यूब में अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी आपके पास, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही वैल्यू आएगी। तो कोई जरूरी नहीं है इसको यहां प्लस माइनस अलग अलग से रखने के लिए, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है। अब देखिए यहां फंक्शन जो है वो एक्स क्यूब है। अब इस डिफरेंस को समझिए, जो सेकेंड पार्ट था उसमें और जो फिफ्थ पार्ट है उसमें क्या डिफरेंस है वो समझिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि जब भी फंक्शंस के क्वेश्चंस आपके पास आए तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, फंक्शन की कंडीशन क्या गिवन है और फंक्शन किन सेट्स पे डिफाइंड है, ठीक है। सो सेकंड केस में जहां ये फंक्शन जो है वो नाइदर इंजेक्टिव नोर सर्जेक्टिव ऐसा था, इस केस में ऐसा नहीं होगा। यहां ये इंजेक्टिव तो होगा बट सर्जेक्टिव नहीं होगा। अब वो इंजेक्टिव क्यों होगा, क्योंकि एक तो फंक्शन आपका डिफाइंड है क्यूब, यानी नेगेटिव वैल्यू से भी मुझे नेगेटिव ही आंसर में आएगी। सपोज माइनस वन का क्यूब करूं मैं तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, माइनस वन ही आएगा, ठीक है, और वन का क्यूब करूं तो वन आएगा। बट स्क्वायर में ऐसा नहीं था, स्क्वायर में माइनस वन का स्क्वायर आपको वन मिल रहा था और वन का स्क्वायर भी आपको वन मिल रहा था, यानी माइनस वन और वन की सेम ही इमेज हो रही थी। बट यहां ऐसा नहीं है, माइनस वन की इमेज अलग है और वन की इमेज अलग है, ठीक है। यानी कि जो अपनी वन वन की डेफिनेशन है वो यहां फुलफिल हो रही है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट होगी, ठीक है। सो x1 इक्वल टू x2 आएगा फॉर योर फंक्शन fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। सो फंक्शन आपका क्या है, मैनी वन नहीं है, नॉट मैनी वन, ठीक है, f of x इज नॉट मैनी वन, और मैनी वन नहीं है तो ये क्या है, वन वन, ठीक है। ये इस एग्जांपल से समझ गए होंगे आपकी मनी वन क्यों नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव से ही चेंज आता है मेनली, जो जैसा फंक्शन गिवन है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव से ही चेंज आ सकता है इंटीजर्स में, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी मिलती है और पॉजिटिव वैल्यूज भी मिलती है, और वो यहां पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि फंक्शन आपका क्यूब में है। सो माइनस वन का क्यूब भी मेरे को माइनस वन ही मिलेगा, ठीक है, और माइनस टू का क्यूब करूंगा तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस एट मिलेगा, और टू का क्यूब करूंगा तो पॉजिटिव का एट मिलेगा, ठीक है। तो माइनस टू की इमेज हो गई माइनस एट और टू की इमेज हो गई एट, सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलेंगी, गॉट इट, ओके। दूसरी बात, अब इसको प्रूव करना है कि ओन टू है या नहीं, तो जो पिछले फोर्थ एग्जांपल में किया था हमने कि वाई की वैल्यू आप सेवन रखिए, वो यहां भी आप अप्लाई करें, और क्यूब रूट ऑफ सेवन जो है वो एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ सेवन का के इक्वल हो, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ सेवन के इक्वल हो, ऐसी कोई वैल्यू आपको इंटीजर्स में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वैल्यू आएगी पॉइंट्स में, डेसिमल्स में, ठीक है, और इंटीजर्स में भी आपको वैल्यूज क्या मिलती है, नॉन डेसिमल वैल्यूज मिलती है, ठीक है, ओके।